देख रहे हो गाइस मैं रूल को कितना फॉलो करता हूँ। सब लोग निकल जा रहे हैं लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। और मैं ना पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ जो कि हाथ में लेके बाइक पे, साइकिल पे, स्कूटी पे ब्लॉक करता हूँ। लो अंकल जी बाइक खड़ा किए हैं और हेलमेट लगाए हैं और अपनी साइकिल चला रहे हैं। तो हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। पिछला वाला ब्लॉग भी गाइस मैं यहीं से स्टार्ट किया था और ये वाला भी ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मौसम देखो गाइस क्या ही ज़बरदस्त हो रहा है ना। तो अभी गाइस मेरा प्लान था कि आज संडे राइड करेंगे लेकिन गाइस स्कूटी नहीं है तो बाइक से मैं संडे राइड तो करूँगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे, तगड़ा ही करेंगे। लेकिन अभी पहले मतलब फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद से गाइस मिलते हैं आपसे, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे इसको मुड़ाने में गाइस ना हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्री चल रहा है। और अभी इसका एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, वो चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डिस्क ब्रेक है ना गाइस, ये वाला, इसको मैं खोल के निकाल दूँगा शायद से। तो ऐसा मेरा प्लान है कि उसको निकाल देते हैं जिससे जो पहिया है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्री हो जाएगा और काफ़ी मस्त चलेगा। और पीछे वाला जो है वो पावर डिस्क ब्रेक है जिसकी वजह से ये ना थोड़ा सा पावर लेती है मतलब चलाने में, तो अगर वही निकाल दूंगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा साइकिल और काफ़ी मस्त चलेगी। तो अभी जैसा होगा वैसा देखेंगे। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं घर पर ही कर दूँगा। हाँ पकड़ो पकड़ो। हाँ अपनी साइकिल को लेके निकल चुके हैं गौरी बाजार के लिए, क्योंकि दो दिन से गाइस मैं ना निकल तो रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ गौरी बाजार। तो आज तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। तो अभी चलते हैं, उसके बाद से आएंगे तो फिर बाइक से पेट्रोल भरवाने जाएंगे, मतलब बाइक में पेट्रोल भरवाने। और चलो अभी पहले चलते हैं यार, साइकिल का काम करा लेते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन भी निकाल लेंगे। इधर से चलते हैं भाई, कूद कितना खतरनाक रहा है। लो भाई पहुंच गए मेन रोड पे और अभी मेन रोड पे अपनी जो साइकिल है इसको चला के देखेंगे कैसा चल रहा है। हाँ बुलेट कार का पहिया है, कार का चलाना है क्या? अच्छा अच्छा चला लीजिए, चलाइए चलाइए, आप भी इसका आनंद ले लीजिए। स्टैंड पर पूरा मार लीजिए। हाँ सही है, साइकिल को लेके निकलूँ और साइकिल के फैन फॉलोइंग ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। लो अंकल जी बाइक खड़ा किए हैं और हेलमेट लगाए हैं और अपनी साइकिल चला रहे हैं, अच्छा लगता है। चलो भाई अभी अपनी जो साइकिल एक नंबर चल रही होगी, अभी मैं भी चलाऊंगा मेन रोड पे, फिर पता चलेगा हाँ कैसी चल रही है। ज़बरदस्त भाई, मैं बोलता नहीं हूँ इसके आगे कुछ है ही नहीं, ना इसके आगे कुछ था ना कुछ है ना कुछ रहेगा। सही है अभी सही चल रहा होगा, तेल और डाले ना इसलिए थोड़ा फ्री चल रहा है। फोटो लेंगे क्या? एक नंबर है, है। 30,000 लग गया है। चलो भाई चलो, ये होता है गाइस जब अपनी साइकिल को लेके निकलता हूँ ना गाइस, लोग तो भाई खुद रुकते हैं भाई, और लोगों को रुकवाते हैं लोग कि और लोग रुके, लेकिन सही अच्छा लगता है, लोग चलाते हैं उनका भी दिल खुश हमारा भी दिल खुश। जय गणपति पप्पा। अभी तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है ना। अच्छा हाँ वो आ रहा है, दीपावली आ रहा है। हाँ नहीं चेंज कहाँ करेंगे, नहीं 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 इलेक्ट्रिक नहीं है, बनवाए हैं। हाँ मॉडिफाइड है। ओ बिल्ली ओ बिल्ली, ऐसे कहाँ देख रही है। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग नहीं है गुड इवनिंग है, लेकिन आज है नेक्स्ट डे। कल गाइस ना मैं ब्लॉग नहीं किया था, बस मैं इंजॉय कर रहा था मौसम को। और अभी भी देखो गाइस कुछ ऐसा मौसम है ना, मैं आपको पहले मौसम दिखाऊंगा फिर यहाँ से मार्केट में जाऊंगा। तो इधर का मौसम देखो, धूप निकला हुआ है ना, और इधर का भी आपको मौसम दिखाता हूँ एक सेकेंड। पहले मुझको धीरे धीरे करके इस साइड जाना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ और अभी इस साइड का मौसम चेक करो गाइस, सही है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। सामने वाला बादल क्या ही मस्त लग रहा है ना, मतलब ऐसे गया है मतलब पूरा काला काला। अरे भाई अभी देखो गाइस, इधर देखो धूप निकला हुआ है और इधर देखो बादल ही बादल है भाई, मतलब चिकन लेकर आना है गाइस, चिकन। आज हमारे घर बनेगा चिकन। वैसे ना गाइस मेरे पापा लेकर आते थे, लेकिन आज मैं लेने जा रहा हूँ, मतलब पता नहीं कितने करोड़ों साल के बाद मैं गाइस मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, बस ब्लॉग करता हूँ। मतलब हमारे पापा सारे काम कर देते हैं तो फिर हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है,
लेकिन अब मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जो मेरे पापा करते थे। मतलब अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ ऐसा मुझे लगता है। ये जो बादल है ना गाइस, देखो मेरे साथ साथ चल रहा है, इधर का बादल अभी सही लग रहा है, लेकिन जिधर मैं जा रहा हूँ उधर से तो ये बादल ही नहीं दिखेगा भाई, बड़ा दुख होगा, लेकिन ठीक है। चलो चलो, अभी मौसम एकदम मस्त है, मतलब अभी और ठंडा हो जाएगा। लो भाई लो, आगे निकल जाते हैं यार, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है, लग रहा रास्ता भटक गया। अंकल जी देख रहे हो, लाइन से ट्रक खड़ा है भाई, रोड बन रहा है ना गाइस, इसीलिए आप पता नहीं कितना रोड चौड़ा होगा भाई, इतना चौड़ा तो बहुत है यार, लग रहा है सरकार चाहती है और चौड़ा हो जाए रोड, फिर इस पे एरोप्लेन उड़ेगा। उधर की नहीं होगी, इधर की भी होगी, देखो दोनों साइड का होगा, लेकिन ठीक है, होगा तो होगा, अच्छी बात है, तो मुझको थोड़ा सा बचा के चलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, जो जल्दीबाजी करता है वो भगवान के पास पहुंच जाता है, इसीलिए हम आराम से चलते हैं। चलो चलो चलो, आगे आगे चलो। अच्छा तुम मेरे पीछे ही चलोगे, जहाँ पे मैं रुकता हूँ तो वहीं पे लोग भी रुक जाते हैं भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है। देखे ट्रैफिक बोला क्या, ट्रैफिक मिल गई अपने को, लेकिन सारी जो पब्लिक है ये साइड में रुकी हुई है, मतलब रोड पे चली नहीं रही है। अरे भाई सामने का व्यू तो चेक करो, मौसम एक नंबर हो रहा है। चलो चलो, देख रहे हो गाइस मैं रूल को कितना फॉलो करता हूँ, सब लोग निकल जा रहे हैं लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। अरे हमको भी फंसा रहे हो, तुम भी रुक रहे हो। अरे कितना तेज हवा चल रहा है भाई, देख रहे हो अपने से आगे सारी बाइकें निकल जा रही है भाई, सारी बाइकें देख रहे हो, सारी बाइकें, और अपन लोग पीछे ही रह जा रहे हैं। अपने पास हेलमेट ना होने के कारण अपन लोग यहीं पे लटक जा रहे हैं, और अपने से आगे सभी लोग निकल जा रहे हैं। लो भाई लो, सामने का व्यू क्या ही सही है ना, देख रहे हो पापा की परी भाई, अलग ही है भाई, उनका तो अलग ही है। जब भी कोई लड़की गाइस मेरे सामने से स्कूटी ले जाती है ना, तो मैं तो भाई ना धीरे ही कर लूंगा और साइड में एकदम ले लूंगा, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता है ना गाइस, कब कहाँ मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, समझ रहे हो ना, मतलब वो इस दुकान में घुसा देंगे और कहेंगे दुकान वाले से कि तुम्हारा दुकान बीच में कैसे आ गया, तुम भी ले जाओ भैया, तुम सब ले जाओ। अभी मैं सोच रहा था ना गाइस एक मस्त सा सिनेमैटिक निकालेंगे, लेकिन ये ट्रक आ गया बीच में, फिर उसके पीछे कार आ गया है, अभी मेरे पीछे से कोई नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे आगे गाइस एक साइकिल चल रही है, अब इससे आगे निकल जाते हैं, फिर एक मस्त सा सिनेमैटिक निकाल, एक मार्केट को पीछे छोड़ के एक और मार्केट में आ गए। अगर यहाँ पे नहीं मिला गाइस ना, सच्ची बता रहा हूँ, फिर से मुझे गौरी बाज़ार जाना पड़ेगा, मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ पे मिलेगा जिस हिसाब से ये मार्केट है। आप देखते हैं गाइस, इधर तो अभी मुझे नहीं दिखा, पीछे भी नहीं दिखा, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मछली है क्या भाई, चलो चलो है है, है भाई है, आगे से यू टर्न मार के आते हैं, क्योंकि इधर मुड़ाना थोड़ा सा दिक्कत है अपने को, लेकिन ठीक है अंकल जी तो क्या सही बचे हैं, यहीं से यू टर्न मार लेते हैं वरना अपने को हो जाएगा दिक्कत। लो भाई लो, मुड़ा लेते हैं, कोई आ तो नहीं रहा है, चलो ठीक है, करो आवाज़ चेक करो गाइस, वाह मस्त है। बिना साइलेंसर की गाड़ी है भाई, मुझको लगता है ना, अरे अंकल जी स्टैंड मार लीजिए, क्या यार सुने भी नहीं। हाँ भैया आपको हमसे ज़्यादा जल्दी है, जाओ, जब कोई हारन देता है गाइस ना, मैं तो भाई पूरा धीमे हो जाता हूँ, जाओ भाई तुमको ज़्यादा जल्दी है, जाओ भाई मैं तो आराम से ही जाऊँगा। चलो भाई ले लिए, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया यार, महंगाई का ज़माना चल रहा है भाई, यार मैं आया था 1 किलो लेने, लेकिन ले लिया 0.5 किलो। इंडिकेटर भी देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, आज का जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक करना कमेंट करना, बाय बाय। क्या बोल रहे थे, 1 किलो को ना, चलो भाई चलो, छोटे छोटे बच्चे मिल गए थे, सब ब्लॉग भी निकलने नहीं दिए, सब कह रहे हैं सब भैया मुझको बैठा लीजिए आगे छोड़ दीजिएगा, तो बैठा लिया हूँ, क्या करूँ गाइस, छोटे छोटे थे सब ना। चलो गाइस फिर से ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक करना कमेंट करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बाय 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 बाय।